हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्री उपदेशामृत में से। पहला श्लोक है उपदेशामृत का, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वम अपि मां पृथ्वीं च शिष्यात्। तभी तक हमने वाचो वेगम, वाणी का वेग, और मनसा वेगम, मन का वेग, इसके ऊपर चर्चा करी है। आज हम चर्चा करेंगे क्रोध वेगम। तो श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं इस श्लोक के तात्पर्य में, क्रोध के बारे में, ध्यान से सुनिए। इसी प्रकार क्रोध को वश में किया जा सकता है। हम क्रोध करना पूरी तरह तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम उन्हीं पर क्रोध करें जो भगवान या भगवत भक्तों की निंदा करते हैं, तो हम कृष्ण भावनामृत में अपना क्रोध वश में करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु जगाई तथा मधाई नामक दो दुष्ट भाइयों पर क्रोध हुए थे, जिन्होंने नित्यानंद प्रभु की निंदा की थी और उन्हें मारा था। अपने शिक्षाष्टक शिष्य निमाय निताय की, तम कृष्ण भावनामृत में अपना क्रोध वश में करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु जगाई तथा मधाई नामक दो दुष्ट भाइयों पर क्रोध हुए थे, जिन्होंने नित्यानंद प्रभु की निंदा की थी और उन्हें मारा था। अपने शिक्षाष्टक में भगवान चैतन्य ने लिखा है, त्रिनादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना। मनुष्य को तृण से भी अधिक विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। तब कोई पूछ सकता है कि महाप्रभु ने क्रोध क्यों किया। बात यह है कि मनुष्य को स्वयं का सभी तरह का अपमान सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन जब कोई कृष्ण या उनके शुद्ध भक्त की निंदा करता है तो असली भक्त क्रुद्ध होता है और अपराधियों पर अग्नि की तरह बरस पड़ता है। क्रोध को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे सही ढंग से काम में लाया जा सकता है। हनुमान ने क्रोधवश ही लंका में आग लगा दी थी, फिर भी वे भगवान रामचंद्र के सबसे बड़े भक्त के रूप में पूजे जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने अपने क्रोध का सही उपयोग किया। अर्जुन इसके दूसरे उदाहरण हैं। वे युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने उनके क्रोध को यह कहकर उकसाया, तुम्हें युद्ध करना होगा। बिना क्रोध के युद्ध करना संभव नहीं है, किंतु जब क्रोध का उपयोग भगवान की सेवा में किया जाता है तब वह वश में हो जाता है। तो ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा है गुस्से का, क्रोध का। कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको आज तक अभी गुस्सा नहीं आया, ना सज्जन लोग हैं, संत लोग हैं, ऋषि लोग हैं। अच्छा, गुस्सा तो आया, मगर गुस्से के बाद हमें कोई ग्लानी नहीं हुई, कोई एम्बेरेसमेंट नहीं हुआ, है ना? ऐसे कोई लोग हैं? नहीं है। इसका ये मतलब है कि ये जो टॉपिक है हमारे लिए प्रैक्टिकली भी उतना रेलेवेंट है जितना स्क्रिप्चुअली स्पिरिचुअली है। हम सब वशीभूत हैं इस क्रोध के। एक बार एक कपल जा रहे थे गाड़ी में, एज यूजुअल लड़ाई होके चले थे घर से। तो पति गाड़ी चला रहा था, पत्नी बैठी थी, फिर सामने मामा जी ने रोक लिया पुलिस वाले ने, और आके बोलता है कि क्या बात है, बहुत तेज गाड़ी चला रहे तुम। तो पति से बात कर रहा है वो पुलिस वाला, मगर पत्नी बाहर आ जाती है और आके बोलती है, देखो अभी छोड़ दो इनको ना, मेरे पति देव को। बोले इतनी तेज गाड़ी चला रहा है, 100 की स्पीड पर गाड़ी चला रहा है। तो पति बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, आपका वो शायद वो मीटर ख़राब हो गया होगा, मैं तो 50 की स्पीड पर चला रहा था। इतने में पत्नी बोलती है, बोले 6 महीने से मैं आपको बोल रही हूँ ना, गाड़ी धीरे चलाया करो, पता नहीं क्या हो गया आपको ना, 6 महीने से इतनी तेज गाड़ी चलाते हो आप। अच्छा, ये आपका जो लाइट है वो भी ख़राब है, एक लाइट ख़राब है। ओहो, अभी मैं आ रहा था ना रास्ते में, गाड़ी मोड़ते मोड़ते वहाँ लगी थी, तो अभी गाड़ी ये टूट गई है, इसकी लाइट तो जल नहीं रही होगी शायद।
पत्नी बोलती है एकदम से, एक साल हो गया मैं बोल रही हूँ गाड़ी लाइट ठीक करा लो, लाइट ठीक करा लो, मानते नहीं हो आप ना। देखा पकड़ लेना पुलिस वाले ने, फिर वो पुलिस वाला बोलता है लाओ जी लाओ लाइसेंस निकालो अपना, तो टटोलता है निकल नहीं रहा लाइसेंस, मिल ही रहा। ओहो अभी यहाँ गए थे ना वहाँ शायद भूल गया। इतने पत्नी बोलती है दो साल हो गए मैं बोल रहा हूँ लाइसेंस बनवा लो, क्यों नहीं बनवाते लाइसेंस, पकड़े गए ना आप। तो जैसे अब ये सुनता है तो पति बाहर आता है और सीधा पत्नी का गला दबाने लग जाता है, और फिर पुलिस वाला छुड़ाता है, बोले बड़े खतरनाक है आपके पति। बोले नहीं 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 जब थोड़ा पी लेते हैं ना तो फिर ऐसी हर बातें करते हैं। ये है क्रोध, है ना, मोमेंट्री मैडनेस। उस समय फिट ऑफ रेज में पता नहीं क्या क्या शब्द निकलते हैं, क्या क्या इमोशंस निकलती हैं, तो पहचान नहीं पाते हैं और कुछ ना कुछ गलत हो जाता है उसमें। हार्डली देर इज एनी गुड इन एंगर, हार्डली। हाँ कुछ पॉजिटिव एंगर होता है, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं हनुमान जी ने भी क्रोध दिखाया था ना, मगर वो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास सोचने विचारने की क्षमता है, बुद्धि है और क्रोध उसके वश में है, है ना। मगर हमारा क्या होता है, हम क्रोध के वश में हो जाते हैं, तो हम क्रोध के असिस्टेंट बन जाते हैं, तो इसके कारण हम उसका स्विच को बैठते हैं ऑन ऑफ का, कि कब उसको ऑन करना है कब उसको ऑफ करना है। काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्वा, है ना, गीता में भगवान बताते हैं कि क्योंकि रजोगुण इतना भरा होता है अंदर तो उसके कारण काम उत्पन्न होता है और फिर क्रोध उत्पन्न होता है। तो आज ये जो सेशन है मैं इसमें हम पांच टॉपिक्स कवर करेंगे, कुछ आज होंगे कुछ अगले सेशन में होंगे। सबसे पहला कि हाउ एंगर इज डेंजरस, किस प्रकार ये भयंकर रूप धारण कर लेता है, क्या क्या परिणाम होते हैं क्रोध के, इसकी चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे हाउ वी गेट एंग्री, क्या डायनेमिक्स है कि हमें गुस्सा क्यों आता है। फिर हम चर्चा करेंगे व्हाई वी गेट एंग्री, कि हमें गुस्सा कैसे आता है और हमें गुस्सा क्यों आता है। फिर हम चर्चा करेंगे कुछ शास्त्रों से कुछ प्रमाण लेकर कि वो लोग जो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए उनके साथ क्या क्या हुआ। देन विल डिस्कस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटलुक्स ऑफ लाइफ, और फिर हम चर्चा करेंगे कि इस एंगर को मैनेज कैसे करना है, क्या सॉल्यूशन है गुस्से को कंट्रोल करने के। एंड फाइनली कि हाँ ये गुस्से को यूज कहाँ किया जा सकता है, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये क्या है, ये वेग है ना, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, तो कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसको कैसे हम डोवेटेल कर सकते हैं, इसकी दिशा चेंज कर सकते हैं, कहाँ पे गुस्से का प्रयोग सही है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। तो अभी हाउ दिस एंगर इज डेंजरस, सो एंगर इज जस्ट वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर, डेंजर का एक डी हटा दीजिए तो क्या है, वो एंगर ही है। तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव इमोशन है एंगर। देखिए जब भी गुस्सा आता है तो बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है ना, तो जो नजरें हैं तीखी हो जाएंगी, आंखें लाल हो जाएंगी, पूरा शरीर गर्म हो जाएगा, ऐसे लग रहा है लपटें निकल रही हैं आपके शरीर से, धुएं निकल रहे हैं, है ना, हाथ कम कमाने लगेंगे, है ना, और सामने वालों को ऐसी नज़र से देखेंगे कि बस भैया है ना, इसी का ही मुर्दा भी जला देंगे ना, इसको शमशान ले जाने की जरूरत नहीं है, एकदम वहीं पे भस्म कर देंगे हम। तो बॉडी भी ऐसे रिस्पॉन्ड करती है जब गुस्सा आता है। देखिए भौतिक संसार में जो भी अच्छा चीज़ है उसको बुरा माना जाता है, और जो भी बुरी चीज़ है उसको अच्छा माना जाता है। तो क्रोध भी एक अनर्थ है, अनर्थ मतलब अनअर्थ, अर्थ मतलब क्या होता है, करेंसी, ना जिसे पैसा, जिसे कुछ आप खरीद सकते हैं। तो आप इंडियन रुपीस को अमेरिका में ले जाएं तो क्या बन जाएगा, अनअर्थ, वहाँ की करेंसी नहीं है वो, यूजलेस है। तो ऐसे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई चला जाता है और वहाँ पे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये क्या बन जाते हैं, अनर्थ, इससे कुछ उपयोग नहीं है इसका, कुछ इससे आप परचेज नहीं कर सकते, वहाँ पे ये यूजलेस हैं। ऐसे ही भौतिक संसार में सहनशीलता, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, ये जो क्वालिटीज़ हैं ये क्या बन जाती हैं, ये यहाँ के अनर्थ बन जाते हैं ना, इसको कोई वैल्यू नहीं करता है, जबकि टॉप मोस्ट क्वालिटी है, मगर यही क्वालिटी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत ही वैल्यूएबल है।
भगवान ऐसे व्यक्तियों से बड़े आकर्षित हो जाते हैं जिनके जिनके पास ये गुण पाए जाते हैं, सद्गुण पाए जाते हैं। मगर जो क्रोध है वो एक प्रकार का अनर्थ है। तभी हम चर्चा करते हैं कि क्या डायनमिक्स है, हमें गुस्सा कैसे आता है। तो भगवान गीता में बड़ा सुंदर बताते हैं 2.62-2.63, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगा संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो शुरुआत होती है ध्यायतो, ध्यान लगाने से। जब हम व्यक्तियों पे वस्तुओं पे ध्यान लगाते हैं तो उससे क्या होता है, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते, उससे हमारा अटैचमेंट हो जाता है। वी बिकम अटैच्ड टू दैट पर्सन और टू दैट थिंग। अब वो अटैचमेंट एक और थोड़ा बड़ा रूप ले लेती है, तो संगात संजायते कामः, तो वो संग किस में परिवर्तित हो जाता है, काम में, लस्ट में। तो लस्ट केवल वो सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं है अपोजिट जेंडर से, ऐसी वो चीज जिसमें कृष्ण नहीं है उससे आकर्षित होना वो काम कहलाता है। कि ऐसा आकर्षण जहां पे कृष्ण नहीं है वो कृष्ण से कृष्ण वहां एब्सेंट है तो वो ऐसा आकर्षण लस्ट कहलाता है। और जब वो लस्ट और बढ़ जाता है तो ग्रीड में बदलता है, लोभ में बदलता है, तो काम लोभ में बदलता है। और जब लोभ पूरा नहीं होता तो गुस्सा आता है, कामात क्रोध अभिजायते क्रोधात भवती सम्मोहा। तो जब गुस्सा आएगा तो सम्मोहन हो जाएगा, इल्यूजन हो जाएगा, हिप्नोटिज्म हो जाएगा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, और फिर जो स्मृति है वो विभ्रम हो जाएगी, जो मेमोरी है लॉस्ट हो जाएगी, स्मृति भ्रमशात बुद्धि नाशो, फिर आपकी इंटेलिजेंस लॉस्ट हो जाएगी। मतलब कि वो व्यक्ति जो बहुत पटु है, निपुण है, इवन उसने शास्त्र भी पढ़े हैं, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति भी जब उसको क्रोध आता है तो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता है, और फिर क्या होता है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, उसका फॉल डाउन होता है, गिर जाता है, वो अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। तैसे जब गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं, अपनी स्थिति से नीचे गिर जाते हैं, अपने आप को खुद को ही ग्लानी होती है, बोले मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं इतना घटिया आदमी हूँ, मैं ऐसा गुस्सा कर सकता हूँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ किसी को, अरे नहीं, अपनी स्थिति से हम गिर जाते हैं। ऐसे कोई दूसरा आपके ऊपर गुस्सा करता है तो उसकी स्थिति आपकी नजरों में गिर जाती है। तो प्रणश्यति, ऐसे फॉल डाउन होता है गुस्से के कारण। मगर दूसरी जगह तो भगवान गीता में बोलते हैं नमे भक्त प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का तो कभी विनाश नहीं होता, वो कभी गिरता नहीं है। हाँ बात सही है, क्यों, क्योंकि भगवान के भक्त गुस्सा नहीं करते हैं इसलिए वो कभी गिरते नहीं है। तो नमे भक्त प्रणश्यति, बात सही है कि भगवान के भक्त कभी गिरते नहीं है क्योंकि वो कभी गुस्सा नहीं करते हैं, गुस्सा उनके वश में रहता है। हाँ गुस्से का प्रयोग करते हैं जब भी समय समय अनुसार आवश्यकता अनुसार, मगर गुस्से को छोड़ना भी आता है उनको, उसको त्यागना भी आता है। तो भगवान गीता में बताते हैं 16वें अध्याय के किसवें श्लोक में, बहुत ही प्रमुख श्लोक है ये, त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारं नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्रजेत। ये जो तीन चीजें हैं, काम क्रोध और लोभ, लस्ट एंगर एंड ग्रीड, ये क्या है, त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारं, ये नरक के द्वार है। दैट मीन्स कि जो भी कामी व्यक्ति है, जो भी क्रोधी व्यक्ति है और जो भी लोभी व्यक्ति है, वो तैयार बैठा है, टिकट कटा लिया उसने, कहाँ की, नरक धाम की, तो नरक की ओर अग्रसर है वो। और साथ में भगवान गीता में बताते हैं कि ये डिमोनियक क्वालिटी है, ये आसुरी प्रवृत्ति है क्रोध करना। ऐसा नहीं कि कहीं हम सोचते, अरे देखो जी है ना, इसको गुस्सा करके मैंने चुप करा दिया, चुप तो करा दिया मगर आपके ऊपर लेबल लग गया किसका, कि असुर है ये, क्रोध कर रहा है। तो भगवान बताते हैं 16वें अध्याय के 4थे श्लोक में, दम्भो तर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुषम एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। ये आसुरी संपदा है, क्या,
दम्बो दर्प अभिमानश ना डुप्लिसिटी अभिमान क्रोध। फिर आगे बता रहे हैं 18वें श्लोक में इसी चैप्टर के, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संशिता माम आत्म पर देहेशु प्रद्विषन्ति अभिसूयिका। कि वो व्यक्ति जिसके अंदर बहुत ही मिथ्या अहंकार है, जिसको बहुत अभिमान है, जो कामी है, जो लोभी है और जो क्रोधी है, ऐसा व्यक्ति क्या होगा, धीरे धीरे वो असुर प्रवृत्ति में बदलता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा वो मेरे प्रति ही द्वेष करने लग जाएगा। ये भगवान बोल रहे हैं कि क्रोध अभी तो हम अपने आसपास के लोगों के समक्ष दिखा रहे हैं, मगर एक दिन ऐसा आएगा कि वो क्रोध किस में बदल जाएगा, ईर्ष्या में बदल जाएगा। किसके प्रति ईर्ष्या? भगवान के प्रति। तो इसलिए आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुर लोग क्या करते हैं, और भगवान से हमेशा द्वेष करते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं, इसलिए क्रोध, आपस में क्रोध करना भी आसुरी प्रवृत्ति है। हाँ, एक और बात कि दैट पर्सन हु इज बिटन बाय एंगर, लव ऑफ गॉडहेड विल नेवर फ्लरिश इन दैट पर्सन्स हर्ट। कि जिस जो ये क्रोध के सर्प से कटा हुआ है ना, क्रोध का सर्प ने जिसको डंक मारा है, उस व्यक्ति के हृदय में भगवान का प्रेम कभी पनपने वाला नहीं है, दैट इज फॉर श्योर। शास्त्रों में कितने ही ऐसे उदाहरण हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि ना, जो भक्ति के पथ पर, अध्यात्म के पथ पर अग्रसर हैं, और बस ये क्रोध के कारण ही फॉल डाउन हो जाता उनको। चार कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र, वो पहुंचे हैं वैकुंठ में, भगवान के दर्शन करने की इच्छा है, मगर ये क्या ना, सामने वो जो द्वारपाल है जय विजय, रोक लिया उन्होंने, उनको जाने नहीं दे रहे। तो फिर चार कुमार बोलते हैं कि अरे तुम्हारे ठाकुर पता कौन है ना, अंदर जो बैठे हैं वो इतने सोवर व्यक्ति हैं, और तुम उनके दास होने के बावजूद ना तुम्हारे अंदर ये आसुरी प्रवृत्ति कहाँ से आ गई, क्रोध की। तुम खड़े तो हो वैकुंठ के जस्ट द्वार के बाहर, मगर वैकुंठ वैसे जैसा कोई गुण नहीं है तुम में, क्योंकि बहुत क्रोध कर रहे हो तुम। और उसका फल क्या हुआ कि वो उनको शाप दे दिया गया कि हाँ, 3 जन्म तक तुम्हें भूलोक में जाना पड़ेगा, भगवान का संग त्यागना पड़ेगा। तो इस प्रकार क्रोध के सर्प ने उनको डंक मारा हुआ है। इसलिए क्या हुआ, चार कुमार है, कभी शांत रस से जय विजय कभी शांत रस से ऊपर नहीं उठ पाए, भगवान के साथ बहुत अलग अलग प्रकार में एक भक्त संबंध बना सकता है ना, जिसमें से 5 प्रमुख हैं, जो इसमें सबसे नीचे है शांत रस, फिर दास्य रस, फिर साख्य रस, फिर वात्सल्य रस, फिर माधुर्य रस। मगर हृदय में अगर क्रोध है और फिर भी आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो मैक्सिमम आप शांत रस ही मिल पाएगा आपको ना, ऊपर के जो रस हैं उसमें उसका आस्वादन हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान तो प्रेमी है ना, वो तो प्रेम का रस देना चाहते हैं, मगर प्रेम का रस कहाँ मिलेगा, किसको दे पाएंगे, जहाँ पे आदान प्रदान होगा, जिसके हृदय में प्रेम होगा। तो अगर हृदय में बड़ी निष्ठुरता होगी, बड़ी कठोरता होगी, क्रोध होगा ना, उस अग्नि में जल रहे हैं, तो वहाँ पे तो प्रेम पनपने वाला नहीं है। तो जहाँ पे घृणा नहीं है, जहाँ पे क्रोध नहीं है, वही व्यक्ति ना भगवान की भक्ति लंबे समय तक कर पाता है। तो इसलिए ये सेशन है हमारे लिए, क्योंकि हम सब क्या चाहते हैं, अपने हृदय में कृष्ण प्रेम को बिठाना चाहते हैं, मगर ये जो अनर्थ हैं ये बार बार बाधाएं डालते हैं हमारे पथ पर, भगवत प्रेम के पथ पर। तो इसलिए इसको दूर करना जरूरी है। या तो हम किसी पे क्रोध कर देते हैं या कोई हमारे ऊपर क्रोध कर देता है, दोनों स्थितियों में बड़ा इम्बैलेंस होता है हमारे साथ। तो ये डायनमिक्स है कि किस प्रकार हम क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित होने के बाद हमारा फॉल डाउन होता है, चाहे भक्ति के पथ पे क्यों ना हो। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आया है 11वें स्कंद में कि बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े योगी लोग, जिनके पास बहुत तपोबल भी होता है, बहुत सारी सिद्धियाँ होती हैं उनके पास, उसके बावजूद वो क्रोध कर बैठते हैं और सारी सिद्धियाँ और सब खो बैठते हैं। विश्वामित्र मुनि का वर्णन आता है, रंभा आती है उनके पास उनको प्रलोभित करने के लिए, उससे पहले मेनका आई थी,
मेनका भी जब आई थी तो मेनका के ऊपर भी बड़े क्रोधित हो गए थे। अब ब्रह्मा आई तो ब्रह्मा क्या कर रही है, फूल बरसाने लग गई है विश्वामित्र मुनि के ऊपर। तो उसी समय क्रोधित होकर विश्वामित्र मुनि शाप देते हैं उसको कि पत्थर बन जाओ। मगर शाप तो दे दिया, मगर साथ साथ अपना जो तपोबल है वो भी खो दिया, जो तपस्या करी है, जो यज्ञ तप किया है वो सब भी खो दिया। दुर्वासा मुनि को भी गुस्सा आ गया था, किसके ऊपर? अम्बरीश महाराज के ऊपर। भगवान के महान भक्त हैं अम्बरीश महाराज, राजा हैं मगर उसके बावजूद भगवान की भक्ति में हमेशा लगे रहते हैं। तो अम्बरीश महाराज क्रोधित हो गए, और उसका फल क्या मिला अम्बरीश दुर्वासा मुनि को? क्योंकि भगवान के भक्त के ऊपर प्रहार किया था दुर्वासा मुनि ने, तो भगवान इसको सहन नहीं करते हैं। तो भगवान अब स्वयं आ गए हैं रणभूमि पे, उनका सुदर्शन चक्र उनके हाथ से अपने आप ही छूट गया है और दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे भाग रहा है। दुर्वासा मुनि पूरे 14 भुवनों में भाग रहे हैं जान बचाने के लिए, अरे कहाँ सुदर्शन आ गया, कैसे बचूं मैं? इवन सारे देवताओं के पास चले गए, कोई बचा नहीं पा रहा उनको। तो अल्टीमेटली किसके पास आए? भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं दुर्वासा मुनि के, अरे बचाओ भैया ये आपका चक्र है। तो क्या बोलते हैं भगवान? बोले अब तो मेरा चक्र भी नहीं है ना, मेरे हाथ से छूट चुका है, क्योंकि मेरे भक्त के प्रति तूने अपराध किया है। तो क्या करो, जिस भक्त के प्रति अपराध किया है उस भक्त के चरणों की धूली अपने माथे पर लगाओ, तब जाके सुदर्शन चक्र वापस आएगा। नाउ ये सुदर्शन भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो देखिए क्रोध के कारण क्या फॉल डाउन हो गया। तो बहुत शक्तिशाली होते हैं ये ऋषि मुनि भी, उसके बावजूद ना इनका जो तपोबल है वो सब छूट जाता है केवल क्रोध के कारण। सो एंगर ऑलवेज प्रीसीड्स अ मिस्टेक, दैट्स अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। एंगर ऑलवेज प्रीसीड्स अ मिस्टेक, गुस्सा कर दिया मतलब आपने तैयारी कर दी है कि अब गलती होने वाली है। क्यों? क्योंकि अब गुस्सा आएगा, इन दैट फिट ऑफ रेज यू विल सर्टेनली कमिट अ मिस्टेक। वी कांट स्प्रेड पीस बाय ब्रेकिंग थिंग्स इन टू पीसेस। गुस्सा आएगा तो क्या करेगा, चीजों को तोड़ेंगे फोड़ेंगे ना? तो केवल चीजें नहीं टूटेंगी, रिश्ते भी टूटेंगे, इट विल ब्रेक रिलेशनशिप्स ऑल्सो है ना। तो दिल टूटेंगे ना, रिश्ते बिखर जाएंगे केवल क्रोध के कारण। सो इफ यू सप्रेस एंगर वी सफर। अगर गुस्से को बाहर नहीं निकालते ना, फिर हम अंदर अंदर कुटते रहते हैं। एंड इफ यू एक्सप्रेस एंगर अदर सफर ना, आपने निकाल दिया तो फिर बाकी लोग परेशान हैं, तो करें क्या? व्हाट टू डू विद दिस एंगर? तो ये एंगर, ये गुस्सा क्या करता है, हमें फ्रस्ट्रेट करता है बस। हमें लगता है कि नहीं, मैं गुस्सा करके अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल दूंगा, बट नहीं, जो सॉल्यूशन आप निकालना चाह रहे थे गुस्सा करने से, आपने उस सॉल्यूशन को ही तोड़ दिया। अब कोई चारा नहीं बचा है कि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। सो फ्रस्ट्रेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन, बट फ्रस्ट्रेशन इज अ रिएक्शन, एंगर इज अ रिएक्शन टू द फ्रस्ट्रेशन। साइंस बताती है कि गुस्सा करता है जो व्यक्ति ना, तो उसका जो शरीर है वो भी अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है। शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स बनते हैं ना जो आपके शरीर के लिए बड़े हानिकारक है, इसलिए वो गुस्सा अच्छा नहीं है। आपके शरीर को फिजिकली वीक कर देगा और मेंटली वो इम्बैलेंस कर देगा। बहुत सारे टॉक्सिन रिलीज होने लग जाते हैं बॉडी में, और उसके कारण मन वो भी अशांत रहता है। जो गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं उनका डाइजेशन कभी अच्छा नहीं होगा ना। आप जाइए कभी आयुर्वेदाचार्य के पास ना, आपकी नब्ज देखते बता देंगे, गुस्सा बड़े करते हैं ये, आपकी नब्ज बता रही है आप लेके तो जाएंगे, बीमारी की पेट खराब है, मगर वो बताएगा बोला पेट खराब नहीं है, आपका दिमाग खराब है, दिमाग जो गुस्सा करता है ना उसके कारण पेट खराब है। तो अल्सर्स होंगे, डाइजेशन ठीक नहीं होगी ना, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, तो फिजिकली भी परेशानी है और मेंटली भी परेशानी है। सो ऑल दैट वन डज इज रॉन्ग ना, जो भी व्यक्ति करे वो गलत ही करेगा अगर वो गुस्सा कर रहा है तो। और इससे उल्टा है ना, जो व्यक्ति गुस्से को कंट्रोल कर पाता है दैट इज अ डिवाइन क्वालिटी। तो भगवान गीता में बता रहे हैं 16 अध्याय के 2 श्लोक में, अहिंसा सत्यम अक्रोधा
त्याग शांतिम अपैशुनम दया भूतेश्व अलोलुप्तम मार्दवम ही अचापलम। तो अहिंसा सत्यम अक्रोधा, तो ये क्या है ना, ये डिवाइन क्वालिटी है, दिव्यता है। 256 में भगवान बताते हैं, दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भया क्रोधा सिद्धि मुनि उच्चते। सो दैट पर्सन हु इज एबल टू कंट्रोल हिज एंगर, तो वो व्यक्ति क्या है, दैट पर्सन इज अ सेज इन द माइंड। उसका मन क्या है, ऋषि है। व्यक्ति तो ऋषि है ही, उसका मन भी ऋषि है, मन बड़ा शांत है, जिसने अपने क्रोध को कंट्रोल कर लिया है। वीतराग भय क्रोधा, जो अटैचमेंट से, लस्ट से, फियर से और एंगर से ऊपर है, तो वो मुनि कहलाता है। तब प्रश्न आता है कि हम गुस्सा करते क्यों हैं, व्हाई डू वी गेट एंग्री। तो वह बहुत सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड सीईओ इफ। दैट मीन्स अगर आप इनको कंट्रोल करने लेंगे तो आप सीईओ बन जाएंगे। सीईओ इफ, सीईओ तो हैं आप, है ना, मालिक हैं, मगर ये इफ बट लेकिन किंतु बट परंतु फंसे हुए हैं हमारे जीवन में, जिसके कारण हम अपने मन के मालिक नहीं बन पा रहे हैं, अपने इंद्रियों के मालिक नहीं बन पा रहे हैं। तो सी, सीईओ इफ, सी स्टैंड्स फॉर कंट्रोल, कंट्रोलिंग टेंडेंसी। हम सब के अंदर ये इच्छा है चाबी घुमाने की, दूसरों की चाबी घुमाने की, सबको अपने वश में करना चाहते हैं। देखिए, इवन जो यमराज हैं उनको भी पता है ना, मेरा जो जुरिसडिक्शन है केवल यमलोक में है, इससे बाहर कुछ नहीं है। एक दिन एक बार पहुंच गए थे ना, यमदूत पहुंच गए थे अजामिल के पास, तो अजामिल ने क्या नाम ले लिया अंत में, नारायण का नाम ले लिया। तो वहाँ तो सब यमदूत खड़े थे उसको लेके जाने के लिए, क्योंकि इतने पाप किए थे अजामिल ने, और उतरंत वहाँ पे विष्णुदूत भी आ गए। तब ये विष्णुदूत लेके नहीं जाने दे रहे हैं यमदूतों को अजामिल को, तो सारे यमदूत पहुँचे हैं, मुँह थोड़ा उनका नीचे है, बड़े उदास हैं, और जाके बोलते हैं बॉस को अपने, बोले सर जी आज पहली बार हम खाली हाथ लौटे हैं ना, हमारा वो कस्टमर था, मगर वहाँ पे कुछ अलग अलग प्रकार के लोग आ गए जिनके चार हाथ थे, बड़े सुंदर दिख रहे थे वो। बोले कौन थे वो, बोले ऐसे लग रहे थे कुछ कुछ विष्णु दूत आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। बोले विष्णु, अरे वो तो बॉस है मेरा। बोले कहाँ चले गए तुम लोग, बोले हम तो वही उसके पास गए थे, वो बड़ा जालिम इंसान था अजामिल, बहुत पाप किए थे उसने। तो क्या किया था, बस वो अंत समय उसने हरि का नाम ले लिया, नारायण का नाम ले लिया। अरे भैया आज के बाद मत जाना, ये नारायण की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है हम, जहाँ पे भी हरि का नाम आए नारायण का नाम आए चुपचाप धुंधुमा के भाग लो। तो यमराज जी भी जानते हैं कि मेरी क्या ज्यूरिसडिक्शन है, कहाँ पे मेरा कंट्रोल है, मगर हम लोग पहचान नहीं पाते हैं ना कि क्या हमारी लिमिट है ना, बस हम तो बस चाबी घुमाना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं सबको। हिरण्यकशिपु पूरे संसार को हाथ में लेके बैठा हुआ था वो, देवता लोग घबराते थे उससे, केवल तीन लोग ब्रह्मा विष्णु महेश उसके कंट्रोल में नहीं थे, बाकी सारे देवी देवता ऐसे बस सामने बैठे होते थे उसके। मगर वो हिरण्यकशिपु ना उसकी नाक में दम किया हुआ था, किसने, अपने बच्चे ने, प्रहलाद महाराज ने। तो पूरे विश्व को कंट्रोल कर लिया, उसके बावजूद एक चीज कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो कितना गुस्सा है देखिए हिरण्यकशिपु में। उसके गुस्से को देखकर भगवान का गुस्सा इतना बड़ा कि चीड़ फाड़ कर दी वहीं पे सबके सामने। अरे कोई ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन थिएटर में लेके जाता है, एनेस्थीसिया देता है ना, कोई सभ्य ढंग से ऑपरेशन होता है, मगर ये क्या है ना, वहीं पे चीड़ फाड़ करके आंतड़ियां निकाल रहे हैं बाहर, है ना। तो सोचिए कितना उकसाया होगा भगवान को उसने, हिरण्यकशिपु के भगवान को इतना गुस्सा करना पड़ा उसको, केवल किस कारण, कंट्रोल करना चाहता था वो। हाँ, एक परिवार होता है उसमें पति है ना वो किंग है, वो राजा है, जो पत्नी है वो क्वीन है, वो रानी है, जो बच्चे हैं वो राजकुमार है, राजकुमारी है, प्रजा है वो, है ना। मगर उसके बावजूद ना इस प्रजा में कभी भी एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाया ना। बेशक राजा है, रानी है, राजकुमार है, मगर सबका अपना अपना अहम है, सब ने एक दूसरे के नाक में दम किया हुआ है। तो ये जो कंट्रोलिंग टेंडेंसी है ना, ये प्रमुख कारण बन जाती है गुस्से का, कि हमें लगता है कि वो व्यक्ति मेरे अधिकार में है,
और मेरे अधिकार में है तो मेरी बात उसको माननी पड़ेगी, और जब व्यक्ति नहीं मानता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तो हम व्यक्तियों को भी कंट्रोल करना चाहते हैं और हम परिस्थितियों को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। हमें लगता है कि ठीक है व्यक्ति कंट्रोल में नहीं है, मगर परिस्थितियां ये तो जड़ हैं, इनको तो कंट्रोल कर सकता हूं मैं। तो आप जा रहे हैं गाड़ी में जा रहे हैं और सामने ट्रैफिक जाम लग गया, तो एक घंटा डेढ़ घंटा बैठे हैं आप बस, गुस्सा बढ़ी जा रहा है। एग्ज़ाम में बैठे हैं आप, पेपर देने बैठे हैं, और वही क्वेश्चन जो रात को पढ़ा था अब दिमाग से गुम है, वो आंसर ही नहीं आ रहा उसका। ऑफिस जाना आपको और आपका सामान नहीं मिल रहा, आपको लैपटॉप नहीं मिल रहा, मोबाइल पता नहीं कहाँ खो गया है, चाबी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है, तो आग बबूला हो जाते हैं उस समय। तो अब चॉइस हमारे पास है, सो इधर वी कैन येल एट द सिचुएशन, वी कैन फ्यूम एट द सिचुएशन, और वी कैन हैव समथिंग कंस्ट्रक्टिव ऑल्टरनेटिव। जाम लगा तो क्या बात है ना, तो अब हम कृष्ण के साथ जाम करेंगे ना, तो माला में हार डालेंगे और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सिचुएशन तो सेम रहेगी, मगर आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। हाँ, जितना सतोगुण डेवलप किया होगा उतने अच्छे से उस सिचुएशन को हम हैंडल कर पाएंगे। सो वी डोंट हैव टू बी ओवर रिएक्टर, वी हैव टू बी वेरी फोकस्ड रिस्पॉन्डर। तो वो सिचुएशन सबके साथ ऐसी आती है, मगर सब लोग अलग अलग तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस प्रकार हम अपने जो टेंडेंसी है, कंट्रोलिंग टेंडेंसी, उसको एनालाइज कर सकते हैं कि क्यों गुस्सा आ रहा है मुझे। हाँ, गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं अधिकार जमाना चाह रहा हूँ परिस्थितियों पे, लोगों पे, जिन पे मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरी योग्यता नहीं है उनके ऊपर अपना अहंकार, अपना अधिकार जमाने के। सो दैट इज कंट्रोलिंग टेंडेंसी। देन कम्स ई, ई स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेशंस, अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस। बहुत इच्छा होती है कि लोग हमें रिस्पेक्ट करें, अरे कोई मुझसे प्यार करे, कोई मुझसे मीठी बातें करे, तो एक्सपेक्टेशंस हमारी अनफुलफिल्ड क्यों रह जाती है, क्योंकि वो अनरियलिस्टिक होती है। हम अलग ही वर्चुअल वर्ल्ड में जीते रहते हैं, हमें लगता है कि बस संसार में सबसे प्यारा सबसे सुंदर जो इंसान हूँ मैं हूँ ना, तो मुझसे सब लोग ऐसे बात करें ऐसे ना, कि जैसे कोई सज्जन व्यक्ति हो, कोई संत व्यक्ति हो, उसके साथ कोई बात करता है, मैं जाऊँ तो सामने पहले ही झुक जाएं ना, मेरी बात मानने को तैयार हो ना, कोई रेपरकशन ना हो, कोई आर्गूमेंट्स ना हो, तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। और जब ये पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है कि जब भी लोग मेरी एंजॉय करने की सारी कोशिशों को विफल कर देते हैं तो मुझे गुस्सा आता है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे भी कर्म हैं। आप प्रसाद की प्लेट लेके जा रहे हैं और एकदम से वो झटका लगा तो नीचे गिर गई, उसमें खीर डलवाई थी आपने, सामने वाला व्यक्ति आके बोलता है देखो जी है ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम है ना, आपको तो मिली नहीं मगर चींटियां खा रही हैं, तो दाने दाने पे लिखा है चींटियों का नाम, और ये सुनते ही ऐसे अब गुस्सा आ गया आपको, एक तो खीर गिरा दी, ऊपर से कमेंट बैजी कर रहा है। मगर उस समय ध्यान देना होगा कि कुछ कर्म भी तो हैं हमारे, वो भी तो रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ, कि जो हम डिजर्व करते हैं उसको कोई रोक नहीं सकता, और जब डिजर्व नहीं करते हैं आप एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए उसको कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो एक्सपेक्टेशंस को फिर हमें इस प्रकार तोलना होगा, नहीं तो परेशानी हम ही होने वाली है। सो ई स्टैंड फॉर अनरियलिस्टिक अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस। देन कम्स ओ, ओ इज ओपिनियंस, माई वे और हाई वे, जो मैं बोल रहा हूं वही सत्य है, वही सबके लिए हितकारी है, तो आप चुपचाप मान लो उसको। हमेशा हर व्यक्ति यही सोचता है ना कि आई एम द ग्रेटेस्ट थिंकर, बहुत सोचने के बाद मैं इस निष्कर्ष में निकाल आया हूं, तो आप भी इसको मान लो। मगर हम भूल जाते हैं कि भगवान ने हम सबको अलग अलग बनाया है, एवरी इंडिविजुअल इज अ यूनिक डिफरेंट इंडिविजुअल, और सबके मत अलग अलग होंगे,
और जरूरी नहीं है कि आपका मत ही सही हो, सामने वाले का मत भी सही हो सकता है, एक समय पे बहुत सारे मत सही हो सकते हैं। शास्त्र में वर्णन आता है कर्ण और भीष्म पितामह का, तो कर्ण बोलता है कि जब तक ये भीष्म पितामह सामने हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि कर्ण भीष्म पितामह के नीचे रहकर युद्ध नहीं करना चाहता था, कि उनको लगता था कि देखो काम सारा मैं करूंगा, क्रेडिट गिरे जाएंगे, तो इनको पहले साइड पे करो ना, फिर मेरा मत चलेगा, मेरा ओपिनियन सम्मानेंगे। अश्वत्थामा को जब पकड़ा हुआ तो सारे पांडवों के अलग अलग मत चल रहे थे ना, तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बोलते हैं कि इस अश्वत्थामा को छोड़ो मत, मार दो इसको, क्योंकि हमारे पुत्रों को मारा है इसने। उधर द्रौपदी और युधिष्ठिर बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं, छोड़ दो इनको, बाकी सब लोग अलग अलग अपना मत दे रहे हैं। तो फिर क्या किया अर्जुन ने, क्या किया, सारे मतों का जो निचोड़ है वो लेकर ना फिर फाइनली कंक्लूजन दिया कि क्या कीजिए, इसके सिर पे जो जो ज्वेल है ना ना उसको काट दीजिए, दैट इज एज गुड एज किलिंग अश्वत्थामा, तो जान से मत मारिए मगर इसके जो असली प्राण है वो निकाल दीजिए आप। तो ऐसे ही हमें देखना होगा कि हमें ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे सब मत वाले हैं ना, सब अपना मत देना चाहते हैं, सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, तो वहाँ किसी एक व्यक्ति की नहीं चलने वाली है। इंटरव्यूज देते हैं ना, तो इंटरव्यूज में कई बार हम अपने प्रोफाइल में लिखते हैं टीम वर्क, हम लोगों को समझ नहीं आता टीम वर्क होता क्या है। टीम वर्क लोगों को लगता है कि अरे देखो मैं बॉस हूँ, मेरे नीचे ना 20-25 लोग हैं, ये टीम वर्क नहीं है, ये तो बॉस वर्क है। टीम वर्क मतलब क्या है, है ना, कि मैं इतनी बड़ी टीम में भी रहने को तैयार हूँ, सबकी बातों को मानने को तैयार हूँ, सबके मतों को अपने सिर पे रखने को तैयार हूँ, दैट इज कॉल्ड टीम वर्क। दैट मीन्स कि मेरे पास इतनी विनम्रता है कि मैं 20-25 लोगों के मतों को एक साथ लेकर भी आगे बढ़ सकता हूँ। तो वहाँ जब इस प्रकार हम अलग अलग परिस्थितियों में भापेंगे कि हाँ मेरा विचार ठीक है मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका भी विचार ठीक हो सकता है, तो मुझे उनको भी साथ लेके चलना है, तो फिर हम अपने क्रोध को कंट्रोल कर पाएंगे, उनके ओपिनियंस को वैल्यू कर पाएंगे, दैट इज ओपिनियंस। देन कम्स आई, आई स्टैंड्स फॉर इंसल्टेड बाय अदर्स, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे कुत्ता बोल दिया, उसने मुझे बिल्ली बोल दिया, मगर प्रॉब्लम है कि उसका कुत्ता और बिल्ली बोलने से आप कुत्ता और बिल्ली तो बने नहीं है, सो दैट इज ओनली अ परसीव्ड थ्रेट, थ्रेट तो है मगर परसीव्ड थ्रेट है। आप चलते हैं रास्ते में कितने कुत्ते भोंकते हैं मगर उनके भोंकने से आपकी मनुष्यता कम नहीं हो रही है, यू आर स्टिल दैट पर्सन है ना हु इज बेस्टोर्ड विद ह्यूमन बॉडी। तो ऐसे ही इस जर्नी के दौरान, जीवन की जर्नी के दौरान बहुत सारे लोग मिलेंगे जो हमें बहुत इंसल्ट करेंगे, बुरा भला बोलेंगे, मगर पॉइंट इज यू शुड नॉट बी इंसल्टेड बाय देयर इंसल्ट्स। मिजरी इज इनएविटेबल बट टू बिकम माइजर इज चॉइस ऑफ योर्स, नहीं सुना आपने, दुख तो आना है मगर दुखी होना है क्या नहीं आपके हाथ में है ना, तो ऐसे लोग बोलेंगे मगर उनके बोलने से आपको परेशान होना है नहीं, वो तो आपके हाथ में, तो आपने केवल उस मोमेंट को सहन कर लिया ना जब आपके बारे में कुछ गलत बोला गया है, तो वो स्पाइक आई और स्पाइक चली गई, दैट्स इट, आपका ओहदा उतना ही बना रहा, तो हम क्यों मुंह खराब करें ऐसे लोगों से। और लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग, तो हमारी भक्ति रिलेटिव नहीं होनी चाहिए लोगों के कहने से, ऐसी हमारी अपनी क्वालिटी वो निर्भर नहीं करनी चाहिए, वो सर्कमस्टेंशियल नहीं होनी चाहिए लोगों के बर्ताव से। सो डी आई स्टैंड फॉर इंसल्टिंग, बीइंग इंसल्टेड बाय अदर्स, एंड देन फाइनली कम्स एफ, एफ स्टैंड फॉर फ्रस्ट्रेशंस। गुस्सा तब भी आता है ना जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं,
नहीं. सो फेलियर्स ब्रिंग फ्रस्ट्रेशंस एंड वी कम एंग्री. तो सारे जो हमारी इमोशनल अपसेट्स हैं, ये इसके ये प्रमुख कॉज है फ्रस्ट्रेशंस. एक लड़की थी साउथ इंडिया में, 94% मार्क्स आए थे उसके ट्वेल्थ में, मगर जिस दिन रिजल्ट आया तो उस दिन गई और ऊपर कूद मार गई अपने बिल्डिंग से. क्यों? क्योंकि उधर तो 94% मार्क्स आ गए मगर नीट का पेपर दिया, वहाँ पे फेल हो गई, मेडिकल का एग्जाम दिया. सो मच ओवर पावर्ड बाय इमोशंस. अरे एकेडमिक तो एक छोटा सा पार्ट है लाइफ का, भगवान ने जो जीवन दिया है उसका एक छोटा सा पार्ट है पढ़ाई लिखाई, मगर पढ़ाई लिखाई सब कुछ थोड़ी है. जबकि पढ़ाई लिखाई में भी 94% मार्क्स आए थे उसके, मगर भूल गई कि जीवन में कितने सारे और पहलू भी हैं जिससे बहुत अच्छा जीवन यापन हो सकता है, मगर फ्रस्ट्रेशन, तो उस फ्रस्ट्रेशन के कारण गुस्सा आया. तो अल्टीमेटली हमें जानना है कि वी आर नॉट द कंट्रोलर्स बट वी आर कोऑपरेटर्स टू द गॉड. भगवान ने हमारे लिए कुछ रचा है ना, आर्किटेक्ट भगवान है, तो उन्होंने हमारा फ्यूचर डिज़ाइन किया है. तो जो भी हमारे जीवन में हो रहा है अगर हम उसको कोऑपरेट करें कि हाँ ये भगवान का प्लान है मेरे लिए, तो फिर हम कंट्रोलरशिप की भावना से ऊपर उठ जाएंगे. फिर हम जान पाएंगे कि नहीं, असली जो भोक्ता हैं वो तो भगवान हैं. भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, और भगवान क्या मेरे सुहृद हैं. तो ना तो परिस्थितियाँ मेरे वश में हैं ना लोग मेरे वश में हैं, मुझे तो भगवान का एक निमित्त मात्र बनना है और इन चीज़ों से ऊपर उठना है. किससे ऊपर उठना है? राग से, अटैचमेंट से, भय से, फियर से और क्रोध से, एंगर. तो अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तामिति मन्नते. गीता में भगवान बोलते हैं कि हम अहंकारवश ये सोचते हैं कि मैं करने वाला हूँ, मगर अल्टीमेटली हम तो केवल एक निमित्त हैं, वी आर जस्ट एजेंट्स. तो हम क्या कर सकते हैं इन सब सिचुएशन में? वी कैन ऑलवेज चूज एन ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स, दैट इज कृष्णा कॉन्शियस बेस्ड रिस्पॉन्स. तो हम भक्तों के पास ये सुविधा है भगवान की कृपा से कि कभी भी ऐसी सिचुएशंस आएंगी ना, ट्रैफिक जाम लगेगा तो माला है हमारे पास, किताबें हैं हमारे पास, प्रेशर तो बहुत है वैसे ही ना, किताबें खोलते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, प्रभुपाद ने इतनी सारी बुक्स दी हैं, कब पढ़ेंगे, हाफ टाइम मिल गया है ना, मेट्रो में ना बहुत लंबी जर्नी है 2 घंटे की, क्या करें? तो फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं ना, चिल्ला सकते हैं, गाली निकाल सकते हैं. और दूसरा है कि नहीं ना, मेरे पास एक कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है करने को, उसको स्वीकार करूँगा मैं. द चॉइस इज आवर्स. तो ये प्रिंसिपल्स हैं जिसके कारण हम क्रोधित हो जाते हैं. CEO इफ, तो इन पे हमें विजय प्राप्त करनी है. अब फाइनली हम थोड़ा जानते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटलुक्स ऑफ लाइफ. एक बच्चा है, पेपर देने चाहता है, तो लिख के आता है कुछ, मगर जब उसका रिजल्ट आते हैं तो बहुत बेकार रिजल्ट आया उसका. तब वो बच्चा टीचर को गाली नहीं दे सकता. क्यों? क्योंकि गलती किसकी है? उसने तैयारी नहीं करी है जिसके कारण उसके गलत रिजल्ट आए हैं. ऐसे ही कई बार हम बोलते हैं कि अरे गुस्सा मुझे नहीं आया था, उसने दिलाया था. तो गलती किसकी है? गलती उसकी नहीं है, आपने अपनी तैयारी नहीं करी है उस गुस्से को झेलने के लिए, उस परिस्थिति को झेलने के लिए आपने रिएक्ट कर दिया. देखिए बहुत सिंपल है, जो अंदर है वो बाहर आता है. आप संतरा लीजिए, दबाइए उसको, कौन सा जूस निकलेगा? पाइनएप्पल का, गुआवा का, संतरे का जूस. जो अंदर है वो बाहर निकलेगा. ऐसे ही कोई व्यक्ति आया और आप उसको, आपने उसने आपको आप एजिटेट किया, कोई ऐसी परिस्थितियाँ बनाई और आपके अंदर से कौन सा जूस निकला? गुस्से का जूस निकला. क्यों निकला? कोई गुस्सा अंदर था, जो अंदर था वो बाहर निकल गया. तो स्क्रिप्ट उसकी खराब नहीं है, स्क्रिप्ट आपकी खराब है. जैसे कंप्यूटर में ना हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है, तैसे ही हमारा भी एक सॉफ्टवेयर है, दैट इज माइंड. तो अगर माइंड की स्क्रिप्ट खराब है तो कोई व्यक्ति जब कुछ आपको एजिटेट करेगा तो आपकी स्क्रिप्ट तो हमेशा क्या देगी? उसमें वायरस देगी, है ना. तो ची पहुँची पहुँची पहुँ वैसी आवाज़ें निकलेंगी आपकी स्क्रिप्ट से हमेशा, क्योंकि सॉफ्टवेयर खराब है. तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स कि हाँ उसके कारण मुझे गुस्सा आया, वी हैव टू स्टार्ट
डूइंग समथिंग विद दिस वायरस विद दिस सॉफ्टवेयर, है ना, कुछ ऐसा एंटीवायरस अब चलाना पड़ेगा ताकि ये वायरस बाहर निकले, इसको मारा जा सके। तो ऐसी जीवन में बड़ी सारी परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं, मगर हमारा परसेप्शन क्या है उन स्थितियों के लिए, दैट मेक्स द बिग डिफरेंस। अब आप एक व्यक्ति को भेजिए गार्डन में, बता के आइए, उसे पूछिए कि क्या देखा गार्डन में, तो बोलेगा कि अरे यार क्या थे, सब झाड़ियाँ थी वहाँ पे यार, कुछ था ही नहीं वहाँ पे। दूसरे व्यक्ति जाके आके बताएगा, बोले नहीं वहाँ पे तो गुलाब के फूल थे, मगर मैंने तोड़ा फूल तो कांटे लग गए यार उसमें, पता नहीं कांटों वाला बगीचा ये। और तीसरा आके बताता है, बोले नहीं यार वहाँ तो फूल ही फूल थे एकदम, गुलाब के क्या खुशबू आ रही थी, मस्त थे एकदम। तो एक ही जगह गए मगर परसेप्शन अलग अलग लेके आए। तो ऐसी परिस्थितियाँ हमारे समक्ष आती हैं, मगर उन परिस्थितियों में हम कैसे रिएक्ट करते हैं वो गाइड करता है कि हमारी क्या पर्सनालिटी है। तो इस प्रकार हमें अपने आउटलुक्स को बदलना है लोगों के प्रति। देखिए जब भी हम किसी व्यक्ति को देखें तो दो चीजें होंगी, या तो उसके गुण देखेंगे, आप गुण देखेंगे, गुण देखेंगे या निंदा करेंगे, तो हमारा आउटलुक बताती है उस व्यक्ति के प्रति। नहीं, हमेशा ऐसा होता है, किसी व्यक्ति को देखिए एक इमेज बनी हुई है अंदर, है ना, और कोई व्यक्ति उसके बारे में बताएगा आज उसका बर्थडे है, बोले बर्थडे है तो क्या हुआ, तो है क्या वो, मैं बताऊंगा उसके अंदर क्या क्या करता है पीछे से, तो आपने तो इमेज बना रखी है उसकी कि वो ऐसा ही है ना, तो कुछ नहीं कर सकते फिर ऐसे व्यक्ति का। क्यों? क्योंकि जो वो व्यक्ति जो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो हमेशा वैसा रिस्पॉन्ड नहीं करता है, वो भी परिस्थितिवश रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो हमारा आउटलुक भी उस व्यक्ति के प्रति क्या होना चाहिए ना, इट शुड नॉट बी एब्सोल्यूट आउटलुक, कि हाँ उसने कभी ऐसा बिहेव किया था, क्योंकि ऐसी कंडीशंस होंगी, ऐसे हम लोगों को देखेंगे तो कभी भी वो नेगेटिव आउटलुक में फंस नहीं जाएंगे। वो व्यक्ति बुरा नहीं है, मगर व्यक्ति का जो रिएक्शन है वो बुरा हो सकता है। व्यक्ति बुरा कैसे हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति कौन है, वो कृष्ण का अंश है। अगर आप बोल रहे हैं कोई व्यक्ति बुरा है, दैट मीन्स आप बोल रहे हैं कृष्ण बुरे हैं, क्योंकि वो कृष्ण का अंश है ना। अब कोई बोले कृष्ण का हाथ यार बेकार है यार, ये काला कलूटा है ना, ये कृष्ण के ये जो कान है ना, ये बहुत बेकार है, ये क्या बात हुई। तो ऐसे ही जितने जीवात्मा सब कृष्ण के अंश हैं, तो बेकार कैसे हो सकते हैं, वो गंदे कैसे हो सकते हैं। तो ये विज़न से जब हम लोगों को देखेंगे ना, अपने आप को प्योरीफाई करेंगे, तो फिर हम स्थितियों में कैसे हमें रिस्पॉन्ड करना है वो हम सीख पाएंगे। तो देन विल नॉट जस्ट रिएक्ट, विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशंस। तो ध्रुव महाराज का प्रसंग आता है शास्त्र में। ध्रुव महाराज अपने पिताजी की गोद में बैठना चाहते थे, तो एक उनकी स्टेप मदर है, सौतेली माँ है सुरुचि, क्या की उनको गोद से उठा के दूर पटक दी। बोले हाँ पिता की गोद में बैठना चाहता था तो मेरी कोख से जन्म पहले। तो शी हैड दैट डाउन ग्रेडिंग एटीट्यूड ना, वो नीचे गिराना चाहती है। दूसरी तरफ माँ है सुनीति, वो क्या बोलती है ना, वो ध्रुव को पैसिफाई करती है। तो ध्रुव महाराज बहुत क्रोधी था उस समय, मगर बोलती है अरे क्रोध से कुछ नहीं होगा ना, सब किसका खेल है, सब भगवान करा रहे हैं, तो आप भगवान की शरण में जाओ ना, वही कुछ कर सकते हैं। देखिए कितना अपलिफ्टिंग उनका एटीट्यूड है। बोले मेरे बस में भी कुछ नहीं है, बेशक आप मेरी औलाद हैं मगर मेरे कंट्रोल में भी कुछ नहीं है, कंट्रोलर तो एक ही है, वो है भगवान, तो आप उनकी शरण में जाओ। तो फिर ध्रुव महाराज भगवान की शरण में जाने के लिए तैयार होते हैं। फिर आगे चल के नारद मुनि मिलते हैं उनको, फिर ध्रुव महाराज तपस्या करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग मिलेंगे हमें ना, मगर हमारा क्या एटीट्यूड है उनके प्रति ये हम देखेंगे, ये इसको हम जब एनालाइज करेंगे तो फिर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ मुझे गुस्सा आता क्यों है। क्यों? क्योंकि मेरा नेगेटिव आउटलुक है लोगों के प्रति, परिस्थितियों के प्रति। हमेशा ही मैं झल्ला जाता हूँ, कुछ भी मेरे जीवन में हल्का सा इम्बैलेंस हुआ तो बस धाम धूम धड़ाका, नरक में पटाका, यही होता है मेरे साथ। बट नहीं, अब मैं स्थितियों को एनालाइज करूँगा।
कि आई एम नॉट द कंट्रोलर, आई नीड टू हैव माई रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, आई नीड टू वैल्यू अदर्स ओपिनियंस. वट इफ समबडी इंसल्ट्स मी, आई एम नॉट इंसल्टेड एंड आई विल नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड इफ द थिंग्स डू नॉट गो एज पर माई विशेज. तो देन विल आई विल बिकम द सीईओ. ठीक है, तो अभी हम यहीं पे विराम करते हैं. ठीक है, हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की, श्रील रूप गोस्वामी पाद की, हरे कृष्णा.